ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी, नमः। मित्रों, इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति को धनवान बनने की इच्छा होती है। लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोगों को कम मेहनत में ही सफलता मिल जाती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आखिर कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है या जिस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन होता है ना, तो उससे पहले ही माता लक्ष्मी कुछ विशेष संकेत देती है, कुछ विशेष इशारे देती है। अगर व्यक्ति उन इशारों को या उन संकेत को समझ लेता है तो सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने लग जाती है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है ना, वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसे घरों में दरिद्रता यानी कि गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है और घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि आखिर माता लक्ष्मी जब भी किसी घर में आती है तो उससे पहले वो क्या संकेत देती है, क्या इशारे देती है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जान लेते हैं उन शुभ संकेत के बारे में कि जिस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी प्रवेश करती है ना, तो उससे पहले क्या क्या इशारे करती है। और इनमें से अगर कुछ संकेत आपको भी मिलते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, उससे पहले आपसे एक महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर या इस पेज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया होगा, उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि साक्षात माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहे। और मित्रों, जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो डाले ना, तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, माता लक्ष्मी जब किसी भी घर में प्रवेश करती है ना, तो उससे पहले आपको सबसे पहला जो संकेत मिलता है ना, वो आता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। मित्रों, शंख बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है। सभी देवी देवताओं की पूजा और आराधना के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान में शंख की पूजा और शंखनाद जरूरी होता है। शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को सुबह सुबह उठने पर आस पड़ोस में शंख की ध्वनि सुनाई देना, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। सुबह सुबह शंख का सुनाई देना इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही देवी माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और मित्रों, आपको माता लक्ष्मी जी के इशारे को समझ जाना चाहिए। चलिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण संकेत होता है, किसी भी कन्या का सुबह सुबह झाड़ू लगाते हुए दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत ही पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है ना, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि सुबह के समय जैसे ही आप दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकले ना, या सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई भी घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। और स्पेशली अगर कोई भी छोटी कन्या जिनकी उम्र 9 साल से कम है, आपके घर से बाहर निकलते ही अगर वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे ना, तो समझ लीजिएगा मित्रों कि कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिन में आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता लक्ष्मी धन की देवी साक्षात आपके घर में विराजमान होने वाली है। चलिए, अगले संकेत की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है घर के पास में उल्लू का दिखाई देना। मित्रों, हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उल्लू जो होता है ना, उल्लू पक्षी, वो माता लक्ष्मी जी का वाहन होता है। ऐसे में आप घर से बाहर निकलें और अचानक से कहीं पर भी आपको उल्लू के दर्शन हो जाए ना, तो ये इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी जी जल्द ही आपके घर में वास करने वाली है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी ज्यादा अहम दर्जा दिया गया है। किसी भी जगह पर अचानक आपको अगर उल्लू दिख जाए, तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है और बहुत ही जल्द आपके दिन परिवर्तित होने वाले हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के अगले संकेत के बारे में और उसके बाद यह भी जानेंगे कि यह जो संकेत अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता।
मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है? और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी और व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी? कौन सा रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर में गृह कलेश लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है और दोनों का संबंध से पहले आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली रिपोर्ट मात्र 251 रुपए की फीस में आप जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन से पहले मिलने वाले कुछ ऐसे खास संकेत के बारे में। दोस्तों, कुछ संकेत स्वप्न में भी मिल सकते हैं, सपने में भी दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है, यदि शुक्रवार की रात को सपने में अगर आप सांप के बिल को देखते हैं, सांप के साथ में, यानी कि सांप या तो बिल में प्रवेश कर रहा है, अगर आपको ऐसा स्वप्न शुक्रवार की रात को दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। बहुत ही जल्द आपको दोस्तों अचानक से कहीं से भी धन मिलने वाला है। दूसरा संकेत मिलता है, यदि आप सपने में खुद को किसी वृक्ष पर चढ़े हुए देखते हैं तो यह भी संकेत होता है कि अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा अगला संकेत होता है कि अगर आपको स्वप्न में नृत्य करती हुई स्त्री अथवा कोई भी कन्या दिखाई देती है तो यह भी अचानक से धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर कोई भी कन्या या कोई भी महिला स्वप्न में अगर वो नृत्य करती हुई या नाचते हुए दिखाई देती है तो यह भी संकेत बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। अगला संकेत है, यदि स्वप्न में आपने सोना यानी कि गोल्ड देखा है तो यह भी धन प्राप्ति और आपके घर में माता लक्ष्मी जी के आगमन का सूचक होता है, यानी कि कुछ समय बाद आपके मालामाल होने का संकेत दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगला जो संकेत होता है ना, वो आप महत्वपूर्ण रूप से समझ लीजिए कि अगर सपने में जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो समझिए कि आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। इतना ज्यादा धन मिलेगा कि आप उस धन को इस जन्म में तो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये रहे थे कुछ स्वप्न में मिलने वाले संकेत। अब जानते हैं मित्रों, आपके घर में अगर कोई भी संकेत दिखाई देता है, जैसे कि घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले या कोई भी चिड़िया आपके घर में अंडे दे तो ये काफी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको इनकम के नए नए स्रोत मिलने वाले हैं और आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। तो किसी के भी घर में अगर चिड़िया का घोंसला मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि घोंसला बाहर से आप लाकर घर में रख दें, अगर चिड़िया खुद आकर आपके घर में घोंसला बना देती है ना तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत मिलता है। अगला संकेत है मित्रों, काली चींटियों का दिखाई देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार में काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो यह भी शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह माता लक्ष्मी जी के घर आने का एक अति उत्तम संकेत होता है। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि अगर इनमें से आपको कोई भी संकेत दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदा सदा के लिए वास करें, तो सबसे पहले तो कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या, इनका कभी भी अपमान नहीं करें। चाहे आपके घर की कोई भी महिला हो या बाहर की कोई भी हो, इनका अपमान करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कोई भी गरीब महिला होती है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, उसको आप 16 श्रृंगार की सामग्री का दान करें। किसी भी शुक्रवार के दिन अगर आप किसी भी गरीब महिला को जो विवाहित होनी चाहिए उसको अगर आप 16 श्रृंगार की सामग्री का दान करते हैं तो भी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। उसके अलावा अगला उपाय आप ये कर सकते हैं, घर को हमेशा साफ सफाई करके रखें और स्वयं को भी एकदम साफ और स्वच्छ रखें। कभी भी बुरी नीयत नहीं रखें। किसी
भी महिला का अपमान नहीं करें। अगर किसी घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है तो उस घर को माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द छोड़कर चली जाती है, तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और महिलाओं को भी ध्यान रखिए कि मित्रों, कभी भी अपने पति का निरादर नहीं करें, अपने पति की बुराई किसी दूसरे के साथ में नहीं करें। उसके अलावा कुछ विशेष और भी होते हैं, जैसे कि घर में जो झाड़ू लगाने वाला झाड़ू होता है ना साफ सफाई के लिए, उस पर कभी भी आप पैर से उसको नहीं छुएं और ना ही पैर से उसको उलांगना चाहिए। हो सके तो झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां पर बाहर से अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है ना, तो उसको झाड़ू दिखाई नहीं दें। अगर आप यह करेंगे तो धीरे धीरे माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करने लगेगी। और उसके अलावा मित्रों, अगर आपके घर में कोई भी नल से पानी टपक रहा हो, किचन का सिंक हो गया या बाथरूम की कोई भी टूटी खराब हो गई, उसको आप जल्द से जल्द बदलवा दीजिए। किसी भी घर में अगर ऐसी गलती होती है ना, तो उस घर से भी माता लक्ष्मी उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः मित्रों।